ऑस्ट्रेलिया का जो वैदर है किस तरीके का चल रहा है? बिल्कुल जी, कड़ाके की गर्मी आ, थंडरस्टॉर्म आ रहे हैं, दो तीन दिन बाद गड़े पै जाते हैं, फिर ठंड हो जाती है, पर बिल्कुल कड़ाके की गर्मी आज 35 डिग्री सिडनी। तस्वीर मंदभागियां जो असं वेखते हैं, छोटे छोटे बच्चों दी लाशां निकल रही ने, या वो छोटे छोटे बच्चे तो कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी उन्होंने मदद वास्ते कल यस्टरडे ब्रॉडवे मीटिंग हुई टर्की वाले, टर्की के जिहड़े इत्थे रह रहे काफ़ी बंदे, क्योंकि इन्हां देशों सारे देशों के बंदे आ, सीरिया वाले नाल भी उन्होंने छेती तो छेती जिनी भी हवास्त कर सकते हैं, जिनी भी उन्होंने सहूलत दे सकते हैं, फंड कर सकते, वह कल भेजा गया। जे इंसानियत धर्म भी यही सिखाते हैं, एक पासे आप ना भी ले दें, रशिया 13-14 मिजाइल कल फिर सट रहा यूक्रेन के उत्ते, बंदा अपने सामने कुदरत जो कर रही है तो भी नहीं सीख रहा। आटे दियां कीमतां डबल ट्रिपल हो रही ने, आटा जड़ा हैगा स्टोर किया जा रहा है, उसके की कारण ने, क्यों इस तरीके का हो रहा है? इंडिया ने आजाद नरजात के उत्ते आटे के उत्ते रोक लाई हुई है, अपने अपने देश अपने अपने तरीके दी लड़ाइया अपने जोगा रख के लड़ रहे हैं, कोई गल नहीं, धन्यवाद करते हैं। असी उन्होंने उस वेले गरेवाल आटे आ साढ़े तो उन्होंने बहुत बड़ा साउथ आस्ट्रेलिया उन्होंने का प्रोजैक्ट आ जिते वो सप्लाई करते हैं, असी उन्होंने मर्जी बेनती की सी, पर्थ गुरु घर बहुत दूर पैंदा, उन्होंने 200 थैला आटे का फ्री सेवा कर। अडानी ग्रुप वाले, अडानी ग्रुप पिछले दो हफ्तों तो बेहद सुर्खियों का हिस्सा बनया होया, अडानी ग्रुप दियां जड़ियां बिचों निकल के गतिविधियां सामने आ रही हैं कि उन्होंने कई कंपनियां नकली ऐसियां खड़ियां कीतियां जिन्हें तो उन्होंने अरबां खरबां रुपए कमाए। एग्रीकल्चर के काले कानून आए आ, उहदे पिछे भी इन्हां लोगों का हाथ सी, ते बच्चे ने, गाउण वालियां ने, बीबिया ने, आईवन आम जनता ने, ये आवाम ने कहा सीगा भी ये दो जड़े घराने आ इन्हां दी खातर ही ये जिहड़ी सरकार आ काम कर रही आ। सत श्री अकाल जी, मैं नवदीप धालीवाल, तुम वेख रहे हो साडा खास प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया डायरी। यह प्रोग्राम है जिस आप गलबात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के चप्पे चप्पे से, गलबात होंगी है पंजाब दी कुछ खास खबरों बारे, जानते हैं कि पंजाब दे विच जो कुछ खास चल रहा, सत समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया दे विच बैठे पंजाबी ने जड़े वो की कुछ सोचते हैं, की कुछ कहना चाहते हैं, सो सारिया ही खबरों से ऑस्ट्रेलिया तो साढ़े बढ़ते हैं करनैल सिंह जी, असं उन्होंने स्वागत करा। सत श्रीकाल करनैल सिंह जी, स्वागत है जी ता। सत्या जी सारे, वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की जी फतेह जी फतेह। तो करनैल सिंह जी, शुरुआत अक्सर आप वैदर तो करते हैं क्योंकि वैदर बारे जानना बेहद जरूरी होंगे, जो पंजाब की गल की जाए तो पंजाब के कड़ाके की ठंड बहुत पै रही थी, एक दो दिन के दौरान तेज़ धुप भी हुई, पर हुण फिर तो ठंडिया हवावां चलनिया शुरू हो गई ने, लोगों ने फिर तो बीमार होना शुरू करता, तो अद्धे तो बेचारे डरते हस्पतालों के भी नहीं जाते, उन्होंने लगता है कि किते असी करोना के शिकार ना होइए, तो डॉक्टर ने जिहड़े सानू हस्पताल दे विच ही ना दब लैण। सो ऑस्ट्रेलिया का जिहड़ा वैदर है वह किस तरीके का चल रहा? बिल्कुल जी, कड़ाके की गर्मी आ, थंडरस्टॉर्म आ रहे हैं, दो तीन दिन बाद गड़े पै जाते हैं, फिर ठंड हो जाती है, पर बिल्कुल कड़ाके की गर्मी आज 35 डिग्री सिडनी, तो नॉर्थ क्यूंसलैंड ज़्यादा भी आ, तो उधर काफ़ी हड़ भी आने की संभावना आ, साइकलोन भी आने की संभावना आ, सारी कितने बस यही आ क्लाइमेट चेंज जी। जी बिल्कुल, पर करनैल सिंह जी कि जो ये होंगे कि आपां नूं पता हुंदा वी कि सीजन आना कि जो सर्दी के दिन होंगे ने उदो आपां ठंड तो बचने के लिए जिते गर्म स्वैटर्स पानिया शुरू कर देंगे, जैकेट्स पानिया शुरू कर देने, उत्थे ही आपां घरां दे विच हीटर भी रख लैंदे आ, पर जिवें ही गर्मी आ जाती है आपां फटाफट ए सी या कूलर के वल भज्जे जाने कि ए सी होने बेहद जरूरी ने, सानूं किते गर्मी ना लग जाए, पर कहिंदे ने ना कि रब दे रंग नहीं आ रहे ने, कुछ नहीं पता लगता कि कित्थे की कुछ खास चल रहा है, कदों ठंड हो जाती है, कदों गर्मी हो जाती है, कदों ठंडिया हवावां चलनिया शुरू हो जाती, धुप्प भी होंगी है। सो एवें ही जे कुदरत की गल करिए, कुदरत अपना कहर ढा रही है, तो कुदरत नाल जेकर खिलवाड़ की गल करिए इंसान ही ने जिन्होंने कुदरत दे नाल इन्ना क खिलवाड़ कर दिता कि हुण कुदरत आपके रंग दिखाने शुरू कर दे, थां थां ते भूचालां दे झटके आ रहे ने, त्रेड़ा पै रही ने घर दे विच, जिहड़े खास करके आप कह दिए कि पहला पहाड़ों के यह जड़ियाँ खबर सी वो सामने आदि होंगे सी कि पहाड़ों के जोड़े भी एरियाज़ ने उन्होंने बेहद खतरा है, या उत्थे घर रुड़ गए ने, या शहर के शहर तबाह हो गए हैं, पर हुण जे गल की जाए
तुर्की की गल की जाए सीरिया की तो उतों के हालात बदतो बदतर हो गए ने। बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। तस्वीर मंदभागियां जो असं वेखते हैं छोटे छोटे बच्चे दी लाशा निकल रही ने या वो छोटे छोटे बच्चे तो कहते हैं कि जाको राखे साई है मार सके ना कोई। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे जो उन्होंने बिल्डिंग्स के मलबे जो निकल के बाहर आते हैं खून के लथपथ होंगे ने तो उन्होंने देख के ना दिल बड़ा पसीजा जाता कि रब्बा ये कह हटा रहा है ना। तो उन्होंने लिए साड़िया जड़िया सिख संस्थावान ने भी पहुंचे ने तो खालसा एड जो सब तो ज़्यादा मोहरी रही है उन्होंने दस दें कि हर थान पर वह पहुँचते हैं। सो की कहना चाहूँगी इस मसले पर? बिल्कुल तुसी यह लोड़ींदा विशा दस्या ते यह प्रार्थना करदे उन्होंने सारयां लई जिन्ने भी उहदे विच दब्बे गए जां कुदरती कुरोपी का शिकार होए उन्होंने पीड़ितों के खातर सारयां वल्लों अरदास आ दुनिया ते सारे दुनिया के मंदरां गुरद्वारियां च चर्चा च ईवन तुहानूं दस रहा मैं नवदीप भाई आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी उन्होंने मदद वास्ते कल जैसटरडे ब्रॉडवे मीटिंग हुई टर्की वालों के नाल। टर्की के जिहड़े इत्थे रह रहे काफ़ी बंदे क्योंकि इन्होंने देश सारे देशों के बंदे आ सीरिया वाले नाल भी उन्होंने छेती तो छेती जिनी भी हवास्त कर सकते हैं जिनी भी उन्होंने सहूलत दे सकते हैं फंड कर सकते वह कल भेजा गया। पर गल करते हैं इतने ये गल बनती आ जो साढ़े गुरुआ पैगंबर ने कहा पहले दे पहला तो ही जे इंसानियत तो धर्म भी यही सिखाते एक पासे अपना ना भी लै देंगे रशिया 13-14 मिजाइल कल फिर सट रहा यूक्रेन के उत्ते बंदा अपने सामने कुदरत जो कर रही है तो भी नहीं सीख रहा एवरी डे रूटीन च भी नहीं हाले भी सीख रहा फिर बाद लिख देंगे रेस्ट इन पीस जो पीस तुम पहला ही कर लो जी हूँ जी हुई बाद तो रेस्ट करनी पीस तुम बाद का की फायदा। सो यह जेडे साढ़े गुरुआ दे बड़े गुरबाणी चेते आ रहे भी जे सख्ता सख्त को मारे जा जगत जलंधा रख लै अधीन जे सरबत का भला जे चाहते हो तो यह गल्लां जिहड़ियां घट्टो घट्ट जिहड़े आपसी कुदरती बंदे ने बनाए हुए अपने भूचाल इहदे नाल जिहड़े मारू काम हो रहे आ जो भी तुसी दुनिया ते देख रहे आ चाहे वह आर्थिक तौर पर आ चाहे बौद्धिक तौर पर आ चाहे किदां भी आ चाहे वह भूगोलिक स्थितियां लई खातर लड़ाई हो रही आ लकीरां दी खातर हो रही आ पर बंदा सिख तो नहीं है। सो इस ग्रुपी तो सारिया बहुत ही असं उन्होंने देशों के नाल शरीक हाँ निके तो निका बच्चा एक दूजे को शैल्टर दे रहा देखा जाए तो कुदरती सुभा आ तो बहुत ही हाँ जी बहुत ही उन्होंने नाल हमदर्दी सारी दुनिया तो ब्रदरहुड तो फादरहुड ऑफ गॉड वाली गल आ स्वत का भला चाहते हैं तो अरदास कर दें कि वो तो वह उन्होंने तो जिन्हें भी बच सकते उन्होंने बचाव वास्ते सारे जने अरदासा कर यही बेनती है। जी जी बिल्कुल। तो उस दे नाल ही जे असीं वधांगे न्यूजीलैंड दे वल न्यूजीलैंड दे वल भी कुछ अजिहियां ही खबरां ने पर अजिहियां खबरां दे चलदियां ही एक होर जिहड़ी गल है निकल के सामने आ रही है कि आटे दियां कीमतां डबल ट्रिपल हो रही ने। आटा जिहड़ा हैगा स्टोर किया जा रहा है उसके की कारण ने क्यों इस तरीके का हो रहा है? देखने दे विच आया सी अपने जो गुरपुरब भी सीगे आस्ट्रेलिया दे विच भी ये प्रॉब्लम आई क्योंकि इंडिया ने आजाद नरजात दे उत्ते आटे दे उत्ते रोक लाई हुई है अपने अपने देश अपने अपने तरीके दी लड़ाइया अपने जोगा रख के लड़ रहे हैं कोई गल नहीं जो कुछ चल रहा तो काफ़ी कुछ पता ही आ चाइना अमेरिका जो भी स्थितियां चल रही। सो उन्होंने अधीन ही जी कछा है महामारी जी आई आज भी देखते हैं काफ़ी सारिया रोकड़ा जिहड़ियां रोकां जिन्नियां आईयां उन्हां नूं हल्ले भी इंसान नूं फेस करनियां पै रहियां हुण असीं लोग लंगर तो लैके घर तो लैके रोटी खाण दे आदी आ ते आदत चाहे कैनेडा बैठे आ चाहे न्यूजीलैंड बैठे आ तां उह इही आ जांदी आ वध तों वध चीज़ां होल्ड कर लईए जिद्दां पहलां टिशू प्रॉब्लम सी टॉयलेट रोल दा प्रॉब्लम आई सारयां नूं इदां ही सारयां ने आटा खरीदना फटाफट जमा कर लिया जमा करन दे नाल उह उहदियां कीमतां वध गईआं। सो असीं गल करदे न्यूजीलैंड तो पहलां जिथे दुनिया तो सूरज चढ़दा दिन शुरू हुंदा उत्थों भाई दलजीत सिंह हुणी आ काफ़ी हरमन प्यारे ने बहुत लंबे समय तो गुरुद्वारे सेवा करते आ गुरद्वारा टाका निनी नॉर्थ शोर न्यू लैन गुरुद्वारे की उन्होंने सुप्रीम कौंसल भी बनाई उन्होंने सारे वालों बेनती सी भी इदां दे किसी भी हवा दे विच ना आवो चार पाँच दिनों दे विच क्लीयर हो जाना नॉर्मल रेट ते आटा मिलना ते होर्डिंग जां कट्ठा ना करो बाकियों नूं भी जीवन जोगा दे दिओ उन्होंने जो कि भी रोटी पकती रहे इन्हों नूं होल्ड करन दा फायदा नहीं एक तो यह बेनती उन्होंने वालों सी दूजी उन्होंने सी भी सारे कट्ठे हो के कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दुनिया भर के आस्ट्रेलिया भी यही हो सो इतने नवदीप असं धन्यवाद करते हैं असं उन्होंने उस वेले गरेवाल आटे साढ़े इतने बहुत बड़ा साउथ आस्ट्रेलिया उन्होंने प्रोजेक्ट आ जिथे वह सप्लाई करते हैं
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਥ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਥੈਲਾ ਆਟੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਆਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੋ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਵਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1917 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਆਪਣੇ MP ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਖੋਲਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲ ਫੁਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਸਟਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਗੋਟਾ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਵਧੀਏ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮਾਸਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, 4-5 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਲਏ। MP ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ SBS ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੌੜ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 15 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਨੇਜਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗੇਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਚੋਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕੈਂਬਲਟਨ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦੇ ਫਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰ ਭੁੱਲਰ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਮਿਸਟਰ ਹੈਪੀ ਧਾਮੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੋਂਸਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਵਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਪਲੈਂਟੀ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਸਪੋਂਸਰ ਆ, ਤੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਜਾਬਾਜ਼ੀ, ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਵੀ ਉਧਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲਣੀ ਸਿੱਖ ਓਲੰਪਿਕ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੀ ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਧਾਂਗੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਕਲੀ ਐਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਡਿੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ,
सब ने देखिया किस तरीके दे नाल विरोधी पार्टियां हंगामा कर रही सी, विरोधी पार्टियां कह रही सी भी इन्हां चीज़ां की तफ्तीश होनी चाहिए है, पर वो कहिंदे सी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि वो उस गल ते ही नहीं सी आ रहे कि अंडानिया ने कुछ किया या उन्होंने फेक पैसा कमाया या उन्होंने करंसिया किस तरीके दे नाल खंगालिया, भारत का पैसा किवें बाहर गया तो किवें चिट्टा होकर वापस आया, तो इन्हां गल्लां दे वल बिल्कुल भी नहीं आ रहे, जिस तों लैके इंडियंस दे जिहड़े कारपोरेट कई होर लोग ने उन्हां दे मनां दे विच बेहद रोस है, लीडरां दे मनां दे विच भी रोस है। सो ऑस्ट्रेलिया दे विच बहुत सारे लोग ने जिन्हां ने अडानी ग्रुप दे विच पैसा लगाया होवेगा, जो उन्हां दे नाल जुड़े हुए होणगे, तां उत्थों दा लोकां दा की कहना है, खास करके साडे जिहड़े पंजाबी ने उह की सोचदे ने? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस गल का, क्योंकि आप थोड़ा पिछे चल जाइए, हले हले नवी ताजी ताजी गल ही आ पिछले सालों की, जदों संयुक्त किसान मोर्चे दे विच सारियां स्टेट्स ने तुहाडियां जिन्नियां भी स्टेट अपने हकां लई लड़ रही सीगियां, जदों एग्रीकल्चर के काले कानून आए आ उहदे पिछे भी इन्हां लोगों का हाथ सी, ते बच्चे ने, गाउण वालियां ने, बीबिया ने, आईवन आम जनता ने, ये आवाम ने कहा सीगा भी ये दो जड़े घराने आ इना की खातर ही यह जी सरकार है काम कर रही है, इन्हों होर रज्जियां नूं रजाउण वाली गल हो रही है, उन्होंने होर धन दे रहा, उन्होंने इनडायरैक्टली तरीके नाल उन्हां दे घर भरे जा रहे, लोगों का खून नचोड़िया जा रहा, गल उही आ जाती फिर गुरुआं दे वेले दी, भी आम बंदे नूं नचोड़ के इन्हां लोगों के ढिड भरे जा रहे हैं, ते ये पैसा बाहर भेज के जिहड़े बैंकिंग लुटेरे आ, मैं तो यह कहना यह अपनी सुखाली जिंदगी जीण लई दूजे लोगों का खून नचोड़दे आ, उदों उन्होंने तरले किए सारा कुछ किया, वह आवाज बार सारे जेडे के बंदे बौद्धिक गुलामी उत्थे झल ही रहे हैं, राजनीतिक गुलामी भी झल रहे हैं, तानाशाही रूल झल रहे ना रो इन लोगों के, इन्हों लोगों के रूल झलते हुए बार भी असर पै गया, जो बार विद्यार्थियों ने इंटरनेशनल विद्यार्थियों ने देखा कि असी आके गुलामी ही भुगते हैं, आर्थिक भी ये आर्थिक गुलामी इन्होंने बंद ने बनाई हुई है, इन्हों की आर्थिक गुलामी तो तंग होए बाहर विद्यार्थी जाते या बाहर माइग्रेशन जाती है, पढ़ा लिखी करीम बाहर जा रही है, ये एक बड़ा रीजन उभर के आ रहा, इतने भी लोगों का बहुत बड़ा कुरसारण है इस की खातर, क्योंकि इन्होंने इतने कोल माइन आस्ट्रेलिया के खरीदिया सगिया जी कि उतो उन्होंने कोल आकड़ने बड़ बड़िया अपना काम करते, जितों तुम दूजा दस्या भी चिट्टा पैसा मैं देखिया, जिन्ना इन्होंने बहुत सारे गोरिया ने भी इंग्लिश लोगों ने भी अखबारों ने भी लिखा भी जे इदा के दस क बंद का पैसा इंडिया के टैक्सी इन्हों का सही तरीके बन दिता जाए, मेरे ख्याल इंडिया के कले कले बंद घर के चार चार पांच पांच वधिया कारा होणगियां, चंगे बिजनेस होणगे, इन्ना ज्यादा इंडिया च पैसा आया, जे आप क्रिकेट का देखा जाए 2020 का देखा जाए उत्थे एडे एडे तगड़े प्लेयर खरीद ले जाते, आप कुछ एक घराने जो वीक घराने इन्हों का सही टैक्सी देख लिया जाए तो कोल बाहर आने की लोड़ नहीं, ये गल उन्होंने जग जाहर हो गई है, इन्हें पैसा इन्ना स्पेंड कर दिता अरबा ही रुपया कई देशों रोटी और हूँ बाहर ही कैच हो गया, हूँ ना घर दे रहे ना घाट दे, सो इदा के बैंक लुटेरिया जेडे निके तो लैके बड़े भी आदत पूजा के सारे का लुट के खाना, यह दुनिया हूँ सोचना चाहिए आ, क्योंकि जिदा तुम दस अपोजिशन तो ना बराबर की सी, पर यह हूँ जग जाहर हो गया, वो जरा संदेश किसान जथेबंदियां सारे रल के ये देश वासियों ते बाहर दे एनआरआई बच्चे जिहड़े तुहाडे आके लेबर करदे रुलदे आ स्ट्रेस च रह रहे आ, पेरेंट उन्होंने फोर्स करदे आ, यह हुण बहुत ध्यान देने की लोड़ आ, इन्हां तों जागरूक होना चाहिए जी। जी बिल्कुल, तो तुसी गल्लबातां दे दौरान इंटरनेशनल विद्यार्थियों की गल कीती आ, तां जे गल कीती जावे कि आपां पहले ही गल कीती है कि जिवें तुसी कहा कि अडानी ने पैसा इन्ना क स्पिन कर लिया कि लोगों दीयां जेबां दे विच पैसा नहीं रहा, टैक्स के जरिए महंगाई के जरिए किस तरीके दे नाल पैसा कढ़ाया गया, सब कुछ जग जाहिर है कि लोग लगातार कंगाल हो गए, तो ये जिहड़े कारपोरेट घराने ने लगातार तरक्कियां दे वल वधदे गए, पर उत्थे ही गल कीती जावे कि भारत दे विच लोगों दे रुजगार नहीं रहा, रुजगार के कोई साधन नहीं रहे, कोई एजुकेशन नहीं रही, सेहत संबंधी सहूलतां उन्हां नूं नहीं मिल रही, जिस करके लोग चाहते ने कि असी अपना सारा कुछ बेच के सत समुंदर पार अपने बच्चों भेज दिए ताकि उत्थ जाके स्टडी भी कर लैन, तो उत्थ जाके वह काम काज भी लभ लैन ताकि उन्हों का जोड़ा भविख है वह सुरक्षित रह सके, पर हूँ जो मंदभागिया घटनावान कैनेडा तो सामने आ रही ने, कोई अपनी खुदकुशी कर रहा है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो रहा, किसी का समझ ही नहीं आती कि किसी ने मार दिता या फिर उसकी खुदकुशी है, सो अजिया दिल नूं झंझोड़ देने वाली घटनावां खास करके एक हफ्ते के दौरान जो महीने बधी गए सीगे या फिर जिन्हां ने हले जाके उत्थे घर बार लभणे ही सीगे, जिन्हां ने हले कॉलेज दे विच एडमिशनां ही नहीं लईआं सीगियां,
ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜਣ। हाँ बिल्कुल नवदीप, तुसी बहुत कम की गल की आ। एक्सपर्ट एजुकेशन नाँ की इतने एक संस्था है बहुत बड़ी, जिन्हों तुसी न्यूज करते हैं, बहुत बहुत संस्था उन्होंने भी मीटिंगां दे विच जां हुंदियां कितें भी यही दसदे आ कि ये विद्यार्थी इन्ने इंटैलीजेंट ने, किसी के सत्त बैंड आ, किसी के अठ बैंड आ। देखो उन्होंने बच्चों घर के फोर्स भी करते एक जरिया, वो बच्चे के जम्मण तो ही हुण तां मैं तुहानूं दस्सिया सी दुआबे दे आ पंजाब नहीं सारे कितने हूँ तो बॉम्बे वगैरह बंगलौर की भी जी कमीम आई देश खरीद रहे थे, ठीक है ना। ये कारपोरेट घराने भी इतों तक बढ़ गए भी बाहर जाके भी इन्हों मैं इतने तुम ना नहीं लेने चाहता, इतने आके भी कई इंडियन बेज दे रहे हैं ये घराने जोड़े आ, एडे वे कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किए हुए तकरीबन इंडियन बराबर बेज देंगे उन्होंने तनखा, इतने दिन उन्होंने बेनीफिट नहीं दे रहे। बहुत सारिया आई टी संस्था भी है, आप किस वे गल कर लेंगे पूरी, तो उस करके जो गल करते भी बच्चे जो उत्थे देखते अपना फ्यूचर ज पेरेंट्स भी देखते हैं उन्होंने असं यह बेनती करते हैं भी जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा सकते ज अफोर्ड कर माड़े जे कंडे ते आ मम्मी डैडी जे कोई लैक्चर आ रहा मतलब 40-50 हज़ार लेंदा जो लेंदा वो पिछों बाद एक बार बच्चे भेज दूगा भी हर साल पैसे जो भेजने के योग नहीं तो ना भेजा करें उन्हों का बच्चा सेफ नहीं है। मैं ये कहूँगा जो गल्लां असीं सुनियां बच्चों दी वो बच्चा पिछे भी नहीं जा सकता स्टूडेंट, क्योंकि वह पिछों पैसे भी नहीं मंगा सकता तो घरद ने कहा हों ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਫੇ ਆਣ ਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 21-22 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਲੋਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਸੌਵੇਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਮਰੇ 4-4 ਜਣੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋ। ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਔਖਿਆਈ ਝੱਲੀ ਔਰ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਪੀੜਤ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗੁਲਾਮੀ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਚੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਚੋੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੇਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਐਵਰੀ ਈਅਰ $20-25,000 ਪੇ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਮਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਹਟ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਕਿੱਲ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਲੰਬਰਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। जी बिल्कुल, तो इस तो बाद असं इसे ही खबर से आवेंगे। एक जिस खबर का दर्शकों को बेसब्री के इंतजार होंगे कि इमीग्रेसन के नाल इस बार तुसी केड़ी इनफॉर्मेशन है जो साढ़े दर्शकों के लिए लैके आए हो। हाँ जी, काफ़ी सारा है। ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी ने हुण दी गवर्नमेंट ने यह डिपेंड कर दिता भी जिहड़ा इमीग्रेसन ने डिसीजन लैने होंगे आ साडियां संस्थावां तो जिन्हों तो नोट आते साढ़े को प्रेस नोट या खबर आदि वो सारा कुछ यूनीवर्सिटीज़ न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे दिता भी तुसीं ही चैक करना उन्हों दा फाइनांस, तुसीं उन्हों दी डिग्रियां चैक करनी आ, तुसीं उन्हों दी SOP चैक करनी आ जिन्हों कोई स्टेटमेंट ऑफ परपज कहने इंडिया दे विच। इत्थे उन्हों इदां भी कह दिंदे आ भी जेन्युइन टैंपरेरी एंट्रेंस वो जिहड़ा आ वो थोड़ा ईज करता बाहर, इत्थे गवर्नमेंट ने आस्ट्रेलिया दी ने वो ईज करता। पहला काफ़ी लंबे उहदे आंसर देने पैंदे सी तां ऑफर लैटर मिलदी सी, हुण ऑफर लैटर वेले ही इत्थे आपां बहुत ध्यान नाल दस दिंदे तुहानूं ਇਹ ਔਫਰ ਲੈਟਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸਪੋਂਸਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਐਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਲੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਉਹੀ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਲਾਓ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਓ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਓਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਾ ਸਕੋ जी बिल्कुल तो समा साढ़े कोल वैसे बिल्कुल भी नहीं रहा पर बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके जो कौमी इंसाफ मोर्चा चल रहा है उहदे बारे जांदे जांदे की कहना चाहोगे बिल्कुल जी उही आपां फिर न्यूज़ ते आउंदे न्यूजीलैंड तो लैके भाई दलजीत सिंह ते होर सारे जिन्हें भी उत्थे दे गुरद्वारा सुप्रीम सिख कौंसल तो आस्ट्रेलियन भी कौंसलां ने गुरद्वारा कमेटियां ने आम भी बंदियां ने यह रखिया भी आने वाले दिनों में वड्डे पद्धर से पार्कों के गुरुद्वार जिथे भी हो सकता जिदा किसान मोर्चे का सी उस पद्धर के उत्ते लॉबिंग हो जा रही है तो उन्होंने बेनती की भी सारे कट्ठे होके सारों बेनती है भी इतने कौम को घट गिनती एक दूजे को ना वंडो जिहड़े बंदे गुरु ग्रंथ साहिब नूं मंनदे आ जिहड़े मंदरां नूं भी मंनदे आ जिहड़े उधर भी किसी भी मंनदे आ इंसानियत तौर पर देखो भी थोड़ी जुडिशरियां ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਧੱਦੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ जी बिल्कुल तो करनैल सिंह जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत वधिया सलीके दे नाल तुसी सारे ही सवालों के जवाब दिए दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद तुसी साडे इस प्रोग्राम नूं बहुत ज़्यादा प्यार करते हो बहुत सारे तुहाडे सुनेहे ने जिहड़े फेसबुक ते यूट्यूब के जरिए साडे तक पहुँचते हैं कोशिश करते हों कि तुहाडे जिहड़े जवाब ने जल्द तो जल्द जरूर दिते जाण सो अखीर दे विच मैं फिर तो बेनती करांगी जेकर तुसी पंजाब तो या किसी भी एरिए दे विच आस्ट्रेलिया दे विच जांदे हो उत्थे तुहानूं किसी मुसीबत का सामना करना पै रहा है तो तुसी करनैल सिंह जी दे नाल अपना राबता कायम कर सकते हो तो यह तुहाडी मदद जरूर करनगे सो अज इस प्रोग्राम के आना ही जी मिलेंगे आप अगले हफ्ते फिर तो साडे खास प्रोग्राम आस्ट्रेलिया डायरी के तद तक के लिए सानू इजाजत सत श्री अकाल।